हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून के लागू होने के ठीक एक महीने बाद मध्य प्रदेश में भी यह कानून सामने आ गया है। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को मंजूरी मिल गई है। अध्यादेश के मुताबिक मध्य प्रदेश में प्रलोभन, धमकी, शादी या किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके द्वारा धर्म परिवर्तन कराने वाले या फिर उसकी कोशिश या साजिश करने वाले को 5 साल के कारावास के दंड और 25,000 रूपए से कम जुर्माना नहीं होगा। वहीं यूपी में इसके लिए 15,000 रूपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन वहाँ भी सजा का प्रावधान अधिकतम 5 साल तक है। यूपी में धर्मांतरण रोधी कानून को लागू हुए एक महीने का वक्त हो चुका है। 27 नवंबर 2020 को वहां के राज्यपाल ने विधि विरुद्ध धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी थी, जिसके बाद यह कानून बन गया। इस कानून में कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। धर्म परिवर्तन के साथ अंतरधार्मिक शादी करने वाले को भी साबित करना होगा कि उसने कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हुए एक महीना हो चुका है। इसके तहत शादी के लिए छल कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराए जाने पर अधिकतम 10 साल के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां ये ऐसा कानून लागू हुआ है। बीते एक महीने में यूपी में लव जिहाद के 14 मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने 51 लोगों को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया है, जिनमें से 49 अभी भी जेल में हैं। दर्ज हुए 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिला को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किए जाने की शिकायत की गई थी। इन मामलों में 13 मामले कथित तौर पर हिंदू महिलाओं से जुड़े हैं और आरोप लगा है कि उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया गया। सिर्फ 2 ही मामलों में महिला खुद ही शिकायत करता है। उत्तराखंड का धर्म स्वतंत्र कानून 2018 धोखे में रखकर बलपूर्वक फर्जीबारे आदि के आधार पर की गई शादी और धर्म परिवर्तन को अमान्य करार देता है। कानून इसे गैर जमानती अपराध मानता है और इसके लिए 1 से 5 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर माता पिता और भाई बहन को लगता है कि उनकी संतान का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है तो कानून उन्हें डीएम के पास शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों में कानून है जिसका धर्म परिवर्तन हो रहा है वो अपनी लिखित सहमति डीएम को दे। हिमाचल प्रदेश में 2007 से ही जबरन या फिर छल कपट से धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लागू है। कुछ दिनों पहले धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है। इसके तहत किसी भी शख्स को धर्म परिवर्तन करने से पहले प्रशासन को इसकी सूचना देनी होगी। ऐसा ही कानून जब 2012 में कांग्रेस की सरकार लेकर आई थी तब हाई कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और मौलिक अधिकारों के हनन वाला करार दिया था। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।